मारवाड़ी मिड डे आप देख रहे हैं। आज है 11 अक्टूबर 2023 बुधवार का दिन और हिंदू तिथि के अनुसार आश्विन माह की द्वादशी तिथि है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर, शुरुआत करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी खबर के साथ। इसराइल हमास जंग के चौथे दिन पीएम नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया, उन्होंने पीएम को जंग के बारे में पूरी जानकारी दी। वहीं पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, भारत के लोग इस मुश्किल की घड़ी में इसराइल के साथ खड़े हैं, हम हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ है। अच्छा बड़ी खबर है, इससे पहले टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक इसराइल की सेना ने घोषणा की है कि उसने गाजा के बॉर्डर पर कब्जा कर लिया है। इसराइल ने गाजा में 300 जगहों को तबाह करके रख दिया है। अब तक हमास के 1600 लड़ाके मारे जा चुके हैं। जंग में इसराइल के भी करीब 130 सैनिकों की अब तक मौत हो चुकी है। दूसरी तरफ हमास के हमलों में थाईलैंड के अब तक 18 नागरिकों की मौत हो चुकी है। वहीं इसराइल को हमास ने धमकी दी है कि वह इसराइल से पकड़े करीब 150 बंधकों की हत्या कर देंगे। वहीं इसराइल के पीएम नेतन्याहू ने कहा है कि हमास ने युद्ध की शुरुआत तो कर दी है, लेकिन इसको खत्म हम करेंगे। आगे बढ़ते हैं राजस्थान से बड़ी खबर, बीजेपी ने 41 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवारों की घोषणा में अभी वक्त लग सकता है। सीएम गहलोत ने संकेत दिए हैं कि 18 अक्टूबर के आसपास ही टिकट फाइनल होने की संभावना है। सीएम गहलोत ने कहा है कि अभी तो प्रोसेस शुरू हुआ है, मैं समझता हूँ 18 तारीख के आसपास उम्मीद करते हैं जब सीईसी की बैठक शुरू होगी तभी बता पाएंगे फाइनल कब होगा। वहीं सीएम गहलोत ने कहा, इस बार जनता से हम अपील करेंगे कि हमें मौका दो, बीजेपी के पास साधनों की कमी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर आपने गौर किया होगा, भाजपा ने जो अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी, इन 41 नामों में वसुंधरा राजे को पहली लिस्ट में जगह नहीं मिल सकी है। दिया कुमारी का नाम पहली लिस्ट में आकर ही सबको चौंकाया गया है। वसुंधरा राजे को पहली लिस्ट में जगह नहीं मिलना एक बड़ी बात है, इस बात की भी चर्चा जोरों पर है। कयास तो राजनीति के जानकार यह भी लगा रहे हैं कि राज्य की सीट भी बदली जा सकती है। एक और बड़ी खबर है, राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के प्रत्याशियों की पहली लिस्ट आने के साथ विरोध भी शुरू हो गया है। बीजेपी ने किशनगढ़ से डॉक्टर विकास चौधरी का टिकट काटकर अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी को टिकट दिया। टिकट काटने के बाद मंगलवार सुबह विकास चौधरी के घर उनके समर्थन में कार्यकर्ता जुट गए। इसी दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विकास रोने लगे, वह बोले, बीजेपी ने मेरी राजनीतिक हत्या की है। वहीं नगर भरतपुर विधानसभा से अनिता सिंह गुर्जर ने तो यहां तक आरोप लगा दिए कि वह वसुंधरा गुट से आती है, इसीलिए उनका टिकट काटा गया है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं राजस्थान से, एक और बड़ी खबर, विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा की ओर से नहीं सहेगा राजस्थान अभियान चलाया जा रहा है। कुछ दिनों पहले अभियान में भाजपा ने किसानों से जुड़ा एक पोस्टर जारी किया था जिस पर एक किसान का फोटो लगाया। किसान माधोराम का कहना है कि उसकी बिना इजाजत के ही उस फोटो को इस्तेमाल किया गया। किसान का कहना है कि न तो उस पर कोई कर्जा है और न ही उसकी जमीन नीलाम हुई है। अब सोमवार को रामदेवरा की रेखियों की ढाणी के रहने वाले किसान माधोराम ने रामदेवरा थाना में बीजेपी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज करवाया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने कहा है कि गहलोत छोटी राजनीति कर रहे हैं, उनके अधिकारी जाकर किसान को डरा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं राजस्थान से, एक और बड़ी खबर, राजस्थान में चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद ही आचार संहिता भी लागू हो गई है। आचार संहिता लगते ही कई जिलों के कलेक्टर ने धारा 144 लागू कर दी है। आदेशानुसार विस्फोटक रासायनिक हथियार प्रदर्शन सार्वजनिक स्थानों पर नहीं कर सकेंगे और संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बिना राजनीतिक जुलूस सभा रैली नहीं होगी और सोशल मीडिया पर भी धार्मिक उन्माद जातिगत देश और दुष्प्रचार नहीं होगा। आदेश 5 दिसंबर तक प्रभावी रहेगा। अगर कोई अवहेलना करता है तो आईपीसी की धारा 188 के तहत दंडित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर, बसपा ने मंगलवार को चूरू के सादुलपुर से मनोज न्यांगली और दौसा के बांदीकुई से भवानी सिंह गुर्जर को टिकट दिया है। आपको बता दूं, बसपा इससे पहले 10 उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। अब बहुजन समाजवादी पार्टी ने 12 सीटों पर टिकटों की घोषणा कर दी है। आगे बढ़ेंगे क्योंकि मौसम से जुड़ी बहुत बड़ी खबर है, राजस्थान में 2-3 दिन बाद बारिश होने की संभावना है। दरअसल उत्तर भारत में 14 अक्टूबर को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है, इसका असर राजस्थान
राजस्थान के उत्तरी हिस्से जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़, उत्तरी बीकानेर, यहाँ पर इस सिस्टम से बरसात हो सकती है। इस सिस्टम के उत्तर भारत से हटने के बाद राज्य में सर्दी भी बढ़ सकती है। मौसम विशेषज्ञों की माने तो 12 और 13 अक्टूबर को उत्तर भारत में एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा जो ज्यादा प्रभावशाली होगा और इसका असर 14 अक्टूबर को राजस्थान के भी कुछ हिस्सों में देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी और आपके लिए बेहद काम की खबर है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि एफडी पर मिलने वाले ब्याज में बढ़ोतरी की है। अब आपको एफडी पर ज्यादा ब्याज मिलेगा। आम नागरिकों को 3% से लेकर 7.25% तक ब्याज एफडी पर मिलेगा और आप वरिष्ठ नागरिक है तो आपको 7.75% तक का ब्याज एफडी पर मिलेगा। नई ब्याज दरें 9 अक्टूबर से लागू हो गई है। इससे पहले आपको बता दूं HDFC बैंक ने भी फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरों में बदलाव किया था। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।